Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, EVS में हम लोगों ने chapter 4 start किया था nutrients in food. कि food में कौन कौन से nutrients होते हैं जिनको हमारी body की जरूरत होती है. तो यहाँ हमने कुछ important nutrients read किए थे. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ये स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 25 ओपन करें. बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हमने देखी थी. क्या थी? ऐसी डाइट ऑल न्यूट्रिएंट जिसमें कंटेंट शामिल होते हैं ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट, ऐसा आहार जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार कहते हैं. सभी स्टूडेंट्स ने बैलेंस्ड डाइट की ड्राइंग अपनी नोटबुक में बना ली होगी. जिन्होंने नहीं बनाई है वो प्लीज नोटबुक में ड्राइंग बना लें. आज का हमारा टॉपिक है. यस बेटा. मैम ऐसे तो ड्राइंग नहीं बनती. क्यों? मैं नहीं बना सकता. बेटा ट्राई करो. नहीं बना सकते हो तो आप फोटो पेस्ट कर लो. जैसे मिल्क है, पल्सेस है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनकी आप फोटो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी. मैगजीन में, किसी भी न्यूज़पेपर में, वहां से आप इनकी फोटो ले सकते हैं और वो पेस्ट कर सकते हैं. ठीक है? हाँ ओके. आज का हमारा टॉपिक है स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन. स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग क्या होता है? स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग होता है अंकुरण. अंकुरण लिख. एंड फर्मेंटेशन क्या होता है? खमीर उठाना, खमीरीकरण. देखो बच्चों, आपने अपने घर पे मम्मी को देखा होगा कि कई बार जो चने होते हैं, मूंग है, मोठ है, इनको मम्मी पानी में भिगोती हैं और फिर उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं, फिर उनको गीले कपड़े में बांध कर उनको रखा जाता है और फिर हम दूसरे दिन उनमें क्या देखते हैं कि छोटे छोटे उनमें क्या होता है कि जो पौधे से निकल आते हैं, जैसे बीज सा उनमें निकल आता है, उगने लग जाते हैं. जब हम चने को भिगोएंगे और फिर उसको अलग से कपड़े में बांध